तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर, मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को किससे लड़ते हुए देखना चाहते हैं, द रॉक रेसलमेनिया 34 में आएंगे या नहीं, कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को, और रेसलमेनिया का शो कितना लंबा होगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो हाल ही में पॉल हेमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ब्रॉक लेसनर और डेनियल ब्रायन को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हाँ यार, पॉल हेमन चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और डेनियल ब्रायन का मैच हो। पहले यहाँ पर उन्होंने पॉल हेमन ने डेनियल ब्रायन की काफ़ी तारीफ की, उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना डेब्यू भी नहीं किया था और जब डेनियल ब्रायन द अमेरिकन ड्रैगन नाम से लड़ा करते थे, तो उसी टाइम से पॉल हेमन ये चाहते थे कि इन दोनों के बीच एक मैच देखने को मिले। वैसे अब लगता तो नहीं है कि हाल फिलहाल में ये मैच हो पाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद WWE छोड़ने वाले हैं। अब रेसलमेनिया की बात हो ही रही है तो मैं आपको रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में भी बता देता हूं। तो काफ़ी टाइम से फैंस के बीच इसको लेकर कंफ्यूजन चल रही थी कि आखिर रेसलमेनिया 34 को कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा। कहीं ऐसा बताया जा रहा था कि रोंडा रोजे का डेब्यू मैच मेन इवेंट करेगा, तो वहीं कहीं ऐसा बताया जा रहा था कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप मेन इवेंट करेगा। तो अभी इन सभी कंफ्यूजन को पॉल हेमन ने दूर कर दिया है और पॉल हेमन ने ये क्लियर कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच ही रेसलमेनिया 34 को मेन इवेंट करने वाला है। उन्होंने बताया कि यही मैच रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और इसके अलावा उन्होंने एज स्टाइल्स वर्सेस इंस के नाकामुरा और रोंडा रोजे की डेब्यू मैच की भी काफ़ी तारीफ की। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि रेसलमेनिया का शो कुल मिलाकर 7 घंटे तक चलने वाला है, जहां बताया जा रहा है कि 2 घंटे का प्री शो देखने को मिलेगा तो ही 5 घंटे का मेन शो देखने को मिलेगा। तो यार रेसलमेनिया देखने से पहले आप कम्प्लीटली अपनी नींद को पूरा कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ इंडिया में रेसलमेनिया को कब दिखाया जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कॉमेंट में मिल जाएगी। खैर अब हम बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो यार बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 34 में हमें द रॉक एक सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। WWE चाहती है कि इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाए और रेसलमेनिया में रॉक को लाकर फैंस को सरप्राइज कर दिया जाए। वैसे एलायस ने कुछ टाइम पहले यह बताया था कि रेसलमेनिया में वो एक काफी बड़ा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो ऐसे में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि द रॉक हमें एलायस की परफॉर्मेंस में इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे। अब रेसलमेनिया में हमें ड्रीम मैच तो देखने को मिलने ही वाला है, ऊपर से अगर द रॉक एलायस को इंटरप्ट करते हैं तो यार ये मेरे लिए किसी ड्रीम सेगमेंट से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको क्या लगता है, क्या द रॉक रेसलमेनिया में आएंगे। तो यार ये थी आज की इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।